मैंने अच्छा इसका बौद्ध जो रेफरेंस, है विष्णु के अवतार नहीं है ये कह रहे हैं आप, तो क्यों डाला मूर्ति में? आप इसको गलत कहते हैं जो डाला जिन्होंने। जो आप अब कौन सी बुक, ना ना वो बात तो वो डिस्कशन बाद में होगी, आप अभी रामायण क्यों? दिखा रहे थे, वाल्मीकि रामायण, नहीं, जिसमें आप ये बौद्ध की दिखा रहे थे। नहीं, कौन सी बात बाद में होगी? आप तो हर टॉपिक को साइड पे करते जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर वो हाँ नहीं है अवतार विष्णु का नवा, तो मूर्ति में क्यों डाला है, ये प्रश्न है, इसका जवाब दें। उसका सिंपल सा रीजन है, आपको भगवद गीता में मिल जाएगा उसका आंसर, क्या है बताएं, क्या है भगवद गीता, कौन सा चैप्टर? कि सनातन धर्म में यही है कि अगर जैसे आप कह रहे होंगे कि ये जो भगवद बौद्ध गीता धर्म का है, यार प्रमाण दे देना पहले, भगवद गीता का कौन सा प्रमाण है, अध्याय मैं श्लोक कौन सा तो है? इस वक्त मैं खोल के नहीं बैठा, मैंने ना लिंक भी शेयर करा है, वो अगर आप खोल दोगे तो वो मेरे लिए बेटर होगा, पहले तो भाई मैंने लिंक ओल्ड किसका, खोला। भगवद गीता का दिया हुआ है? भगवद ना ना गीता का तो अभी नहीं मैंने दिया भगवत हुआ। गीता का नहीं दिया, अरे मैं तो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ ना, कि सनातन धर्म का यही है कि एक्सेप्ट नहीं, ओहो, करना, एक्सेप्ट तो उसको करेंगे ना जो क्योंकि उस चीज को मानता भी तो हो ना। तो हिंदू मैं भाई मिसाल कर, मैंने आपको उपमा दी, एक जो आदमी को आप टेस्ट सेना का मैं सेना गलत का क्या मानूं, सेनापति बना रहे हो, वो राजा कोई नहीं मानता, आप सेनापति का राजा कैसे उसे सेनापति बनाओगे? क्या तो उसी चीज में तो मैं बता रहा हूँ, महाभारत से, है महाभारत से, क्या है महाभारत उसमें? में आज पहली बात है, महाभारत में कोई बौद्ध का नाम तो आता नहीं है, अगर पूरी महाभारत देखी जाए ये लिख फिर लिखा आप वही टॉपिक किधर जंप कर रहे हैं कि बौद्ध का भाई। नाम नहीं आता, ये बात ना करें। फिर आपसे वो प्रश्न पूछेंगे, फिर आप कहेंगे टॉपिक कहीं और जा रहा है। आप कह रहे हैं जी महाभारत के अंदर बौद्ध का नाम नहीं आता, वाल्मीकि में तो आ गया है, उसको भी नहीं सिद्ध कर रहे आप। मकसद कहने का, उधर आप मैन्युस्क्रिप्ट्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए नाम शाम को छोड़ें, जो प्रश्न है फिलोसॉफिकल उसको लें। मैं श्री कृष्ण जी और भीष्म पितामह की बात पे आ रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि जो भीष्म पितामह था वो बिल्कुल उस धर्म पे चलता था, हर चीज को फॉलो करता था, तो श्री कृष्ण अरे जी ने भाई अर्जुन कहानी भाई, मत सुनाओ तुम, कहानी सीधा नहीं है ये, सबूत दो पहले। नहीं, ये कहानियां बहुत सुन चुके, टीवी पे देख चुके, वो हमें मत सुनाओ, तुम तो सीधा सबूत दो, भाषा कौन सी थी और कब थी, ज्यादा कुछ और कोई भटकेगी नहीं चले मैं कहीं ऐसे करता हूँ। जगमोहन भाई मैं समझ रहा हूँ, हिंदू भाई आप अपनी आखिरी बात रख लें, हमारे साथ पीछे कुछ सनातनी मौजूद है, मैं आशा कर रहा हूँ, मुझे लगता है, मेरा भास यह है कि हो सकता है उनके पास ज्ञान हो, वो आपके उत्तरों का, अपना प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जी हिंदू भाई आप अपनी बात रख लें, फिर आगे बढ़ने लगे हम। बस मेरे साथ यही हो रहा है, मैं ना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं मैं ओहो, अपलोड कर पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अभी कि आप कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन मैंने बंद किया हुआ है तो उसको हटा देना, अभी आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं पड़ रही। वही तो चीज़ है, तभी तो नहीं मैं शेयर कर पा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने लिंक आपको ये शेयर कर दिया, जैसे आप देख पाओ तो वो ओपन कर दो नहीं, स्क्रीन पे, हम बात कर पाएंगे। लिंक मैं ओपन नहीं करता होता मेरे प्यारे भाई, ये अच्छा क्रिस्टल अच्छा क्लियर बात। हाँ वो नहीं मैं ओपन करता, क्योंकि पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने लिंक ओपन किया तो उन्होंने मुझे, जो मैंने वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ उसने मुझे कहा कि ये काम खराब है, ये बंदा हैक करना चाह रहा है, तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहा है, क्योंकि भाई मेरी मेरी जान घनो खतरा है, ये आज शांति से बात हो रही है, वरना मुझे नॉर्मली गालियां ही पड़ रही होती हैं हमारे सनातनी दोस्तों से, ठीक सर ऐसा है ना ना? बोले सर, हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं है, कोई मारने आपको नहीं आएगा, बस ओ भाई ये नहीं, मुझे 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 थ्रेट आते हैं डेली यार, आप तो कह रहे हो आप जैसे अच्छे लोग हैं, मैं कब कह रहा हूँ आप ऐसे हो, नहीं मगर सर, भाई हिंदू उन्होंने धर्म मुझे में ईमेल्स ऐसा करते हैं, मुझे कहते हैं नहीं, काट के रख देंगे, तो अपना एड्रेस नहीं बता दो, मार नहीं देंगे। सर नहीं नहीं वो अभी आम लोग हैं, उनको नहीं, वो आम लोग आमिर हैं भाई सही, ये सही उनको। बोल रहे हैं, बस सनातन धर्म या सो कॉल्ड हिंदू धर्म में अपने ही लोगों को अगर साथ में बैठ जाए तो काट दो, अगर वो वेद सुन ले तो जीभ काट दो, ये जरूर है, ज्यादा कुछ नहीं है बस। नहीं ये सर कहाँ ऐसा लिखा हुआ कुछ, है? चल जहाँ जीप ऐसा काट कुछ, चले दो कोई बात अगर नहीं, नहीं तुम नहीं 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 बोल कोई रहे बात नहीं, कोई बात, टॉपिक से हट जाएंगे, टॉपिक से हट जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है हिंदू भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ सनातनी दोस्त मौजूद हैं, ये ना हो वो कहें अन्याय हो गया, हम बात रखना चाहते थे, हमें नहीं रखने मैं ना दीजिए, ठीक है हिंदू भाई? एक पॉइंट रखना चाह रहा जी हूँ, अपना जो वाल्मीकि रामायण प्लीज। पे है, जो आपने खोल के दिखाई थी, जो जो कह रहे थे वो 300 ईयर पहले लिखी हुई है, मतलब कि जो जो बुद्ध का उसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो जो बंगाली एक महाभारत मिली है 6th BC की, उसमें वो लाइन है ही नहीं बुद्ध की, तो उससे हिसाब पता लगता है कि वो लाइन बाद में ऐड हुई है। चले बाद में ऐड हुई है तो गीता प्रेस गोरखपुर को तो नहीं पता चला, जो इस वक्त धंधा कर रहा है ठीक ठाक, राम मंदिर के बाद से उसके तो शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का उसने धंधा किया है, ठीक है? 300 ईयर पहले लिखी गई है, उस वक्त तो पता ही है कि वो क्या क्या था, चले कितना हिंदू
रामायण एक ऐसी, चलिए वो आप कह रहे हैं, चलो हम आप ये कह रहे हैं अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बारे में, अयोध्या कांड के बारे में अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने कहा ये फैब्रिकेटेड है। अगर कोई उत्तरकांड के बारे में या दूसरे तीसरे कांड, इवन मैंने कई लोगों को युद्ध कांड के बारे में बात करते सुना है, मगर अयोध्या के बारे में नहीं कहा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ इजी रहेगा मेरे लिए आपसे डिबेट करना, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा ना नेक्स्ट टाइम ठीक है, नेक्स्ट कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे, बात कर लीजिए ठीक है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे, आप स्क्रीन शेयर वाली सेटिंग ठीक कर लें, फिर नेक्स्ट कर लेंगे बात। ठीक है इंदु भाई, ठीक है बहुत ठीक है, शुक्रिया, ओके भाई, आप इतने बात चलिए, करी अच्छे से, ठीक है, थैंक ओके यू, भाई, थैंक और यू मेरा सबको भाई, भाई, थैंक यू, ओके। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ अमर त्रिपाठी जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हैं निकल गए अमर त्रिपाठी जी, आपको ले रहा था मैं, एंटरटेनमेंट हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं जी। एंटरटेनमेंट साहब, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट भाई आप माइक पे हैं भाई। ठीक है, नेचर भाई हमारे साथ हैं, इनको ले लेते हैं जी। नेचर भाई, सर जी कैसे हैं? बहुत देर मैं लगा बिल्कुल ये आपने। बड़ी क्षमा चाहता हूं, आपको बड़ा इंतजार करना पड़ा, बहुत क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। आज का अच्छा विषय चल रहा है नेचर भाई, बड़ी बड़ी आपको बताइया भाई। ठीक है मंदिर बन गया, ठीक है आपने मूर्ति डाल दी, मगर ये है कि मूर्ति में बोध कहाँ से आ गया विष्णु का अवतार, ये है हमारा असल प्रश्न, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जरूर जरूर मैं उस पर बात करूंगा। ये कौन, ये जो बुद्धिस्ट है दोनों, मुझे एक बात का जवाब देना आप दोनों, मैं सुन रहा था बहुत देर से। ध्यान से, ध्यान से, केयरफुल केयरफुल नेचर भाई, फिर वो भी पूछेंगे, केयरफुल। हाँ जी हाँ, है नहीं, ये दोनों की बातों में एक ने बताया कि जो वेद है वो बाद में आए हैं, और एक बता रहे कि वेद पहला थे। ये दोनों भाई, आप दोनों कहना क्या चाहते हो पहले वो बताओ। दोनों ने बुद्ध का फोटो डाल दिया तो क्या गौतम बुद्ध बन गए हो? सुनिए जी, मेरा एक, मेरा जी हेलो, किसका आवाज खराब आ रहा है? अच्छा शोर आ रहा है जी, योहान बोलो। हाँ तो मेरा मेरा ये बोलना था कि जो वेद का मैं बोला था, वो तीन जो मेन वेद है ना आपके, वो एग्जिस्ट करते थे ये बोला था बुद्धा के टाइम में, और जगमोहन बाकी भाई से बोलिए, नहीं, और बाकी कुछ नहीं, जगमोहन भाई और से बाकी बोलिए ना, स्पीकर कुछ एग्जिस्ट नहीं करते थे। छोड़िए सर, बार आगे बढ़ाऊंगा। रुकिए ना भाई, भाई जो भी एक वेद हमारे, जब भाई सर ऐसे जो ना भी करें, वेद पुराण नेचर महाभारत भाई, में नेचर भाई ऐसे ना करें, भाई, उनकी बात सुने तो सही, आप ऐसे लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें जी। जोहान नहीं, भाई मैं झगड़ा नहीं कर जी, रहा। मतलब त्रिपिटक के जितने भी रेफरेंसेस है उसमें से खाली, मतलब हिंदू के जितने भी स्क्रिप्चर्स है वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, खाली तीन वेद को छोड़कर जो मेन तीन वेद था, और बाकी का कुछ रेफरेंस नहीं मिला है त्रिपिटक से, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सुन लिया नेचर भाई। ठीक है, लेकिन वो जगमोहन भाई को आप समझाइए ना, वो तो क्लियर कट बोल रहे थे कि एक नहीं था। सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने नहीं बोला कि वेद ही नहीं थे, मैंने बोला कि वेद नहीं थे तुम्हारे वाले, ये क्या जलेबिया बना रहे वेद हो का यार मतलब, जगमोहन भाई आप भी? अब वेद का मतलब अरे क्या होता है अरे, बताना झूठ बोल क्या? रहे हो। नहीं क्या झूठ नहीं बोल रहे? अरे नहीं ऐसे ना बोले नेचर बाली भाई, झूठ ऐसे भी ऐसे ऐसे सख्त सख्त चीज ना बोलें कि झूठ बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप कहें मैं सहमत नहीं हूं या प्रमाण दो, इस तरह की कोई बात करें मगर झूठ ना कहें, ऐसे अच्छा नहीं लगता नहीं, जी। ये मतलब हमारे दोनों, क्षेत्र में उन्होंने बता देता हूँ अपनी वेद का, उनकी मतलब बात क्या पर ही मतलब मैं बताया बता जी। जो ब्राह्मण जो जिस जिस किताब को मानते थे वो वेद का हम बात कर रहे हैं, मतलब त्रिपिटक में जो रेफरेंस दिया गया है, मतलब हमारे स्क्रिप्चर में। सर आपके एक, मैं एक पॉइंट रख दूं, बार बार तब से मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बुद्धिस्ट का जो, या बुद्धिज्म का जो स्क्रिप्चर है उसका जो मूल चीज है वो हम लोग की जैसा सेम है, मतलब हिंदुइज्म में जो मूल आधार है कि आपका इनकार्नेशन होगा, फिर या जो भी आपने यहाँ पे जो डीड आपकी उसके हिसाब से आपको मोक्ष मिलेगा, या यहीं पे आपने जो डीड के हिसाब से आपको अवार्ड या पनिशमेंट मिलेगा, तो वो सब तो बेसिक प्रिंसिपल सेम है। बस बुद्धिज्म ने हमसे एक चीज स्वीकार नहीं किया, जो गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म है वो ये कि वेदों में और पुराणों में जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स हैं, या जैसे ये करने का ये रिचुअल, तो ये सब नहीं लिया उन लोगों ने। बाकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सब कुछ हमारे से ही है लिया हुआ, क्योंकि देखिए भगवान बौद्ध भी राहुल उनका नाम था, और वो थे तो हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ, तो
उनके आसपास विरोध को प्रिंसिपल उनका जो मेन जो उनका मोटिवेट जो मोटिवेशन मिली है उसे मिली है मेरे हिसाब से भाई। राहुल तो उनके पिता का नाम था, उनका नाम तो नहीं था बोल रहा हूँ ये गौतम, आई एम सॉरी राहुल भाई बेटे का नाम था तो वही सिद्ध हो गया ना कि हिंदू थे वो, कहने का मतलब मेरा क्या है ये क्या भाई राहुल नाम तो सुना होगा, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी, ये क्या है? उनकी माता का नाम माता का नाम आपको मालूम? नहीं माता का नाम छोड़िए, अभी तो राहुल के नाम की बात, ये राहुल से आपने सनातनी कैसे सिद्ध कर? हिंदू राजा थे उनके, उनके फादर हिंदू राजा थे राहुल, हाँ उनके बेटे का नाम था, मैं गलती से बोल दिया, उनका नाम गौतम था, गौतम ही था ना? नहीं नहीं आपने ये कहा इसी से सिद्ध होता है, आपने कहा राहुल नाम था इसी से सिद्ध होता है कि वो सनातनी, राहुल नाम से सनातनी का सिद्ध होता है, सनातनी नाम है राहुल, प्रूफ इसमें आप राहुल ही नहीं बाकी सारे नाम की मैं बात कर रहा हूँ, हर नाम जो था आपने लिपि की बात की, मेरे से लिपि की बात पूछे थे कि हिंदी सॉरी संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है भाई, वो थोड़ा तो राहुल या गौतम ये सब सर हिंदी के नाम है और हिंदी की जो लिपि है हिंदी बोलने या संस्कृत बोलने ओ भाई 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 ये क्या कर रहे हैं, एक मिनट जरा माइक शोर आ रहा है यार, शोर आ रहा है ये जो जगमोहन भाई अपने माइक का यार मसला हल करें, बहुत शोर आ रहा है, माइक म्यूट रखें और यार माइक से शोर आता है तो इसको प्लीज बात करके मुझे हैं जी, ये राहुल कौन सा नाम है जी हिंदी का? जी बिल्कुल हिंदी का नाम है, ये देवनागरी में लिखा जाता था, ये कौन सी लिपि में लिखा जाता था? देवनागरी की है, नहीं राहुल की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सारे नामों की बात कर रहा हूँ उस समय की जो भी गौतम बुद्ध के, नहीं मैं राहुल राहुल से इशू उठा है, राहुल नाम से सवाल उठा है, उसके अलावा तो किसी नाम का प्रश्न था नहीं। देखिए किसी एक दो शब्द को मत खींचिए, मेरे कहने का जो तात्पर्य है उसको लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी उनका वो हिंदू धर्म में वो उनका जन्म हुआ था और उनकी पूरी फैमिली उनके फादर थे वो भी हिंदू राजा थे, तो इस हिसाब से हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में योहान माइक से शोर आ रहा है, हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ था किनका? राहुल का? नहीं राहुल का नहीं, गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। राहुल का कौन से धर्म में जन्म हुआ था? अब वो उनका भी हिंदू धर्म में ही हुआ था, हम तो उनको भी हिंदू ही कहेंगे क्योंकि हिंदू या सनातनी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार आप सनातन में हैं तो आपकी एक्चुअली जो मान्यता है बुद्धिज्म की वो भी सनातनी ही मान्यता है, कुछ जो अब वैदिक जो रिचुअल्स हैं उनको लोग नहीं मान रहे, और जैसे सेक्रीफाइस करने वाले जो रिचुअल्स हैं या यज्ञ हो गया ये सब नहीं मानते हैं लोग, बाकी जो बेसिक चीज है वो लोग वो मतलब मेन जो अंदर की बिलीव है कोर बिलीव है वो हम दोनों का सेम ही है, जैसा आप डीड्स आपका जैसा है उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। अवतार अवतार मानते हैं सर? मैंने कह दिया कि बेसिक गॉड्स को नहीं मानते हैं और बस जो बेसिक बेसिक बिलीव ही है अवतार, ये नहीं कहीं लिखा है कि आप अवतार को ही मानो तो ही आप हिंदू हो, हिंदू का मतलब ये नहीं होता है, हिंदू इन द सेंस सनातन। देखिए हिंदुइज्म में इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हम लोग में ऐसा होता है कि एक फैक्ट है जो सिर्फ भगवान विष्णु को मानता है, एक फैक्ट है जो शिवाइट्स जैसे हो गए वो भगवान शिव जी की पूजा, ऐसा नहीं की बात ठीक है। हरिओम भाई आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ, बोध जो हैं वो सनातन धर्म का सेक्ट कैसे बन गए ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं वही बात कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे मतलब जैसे जो विष्णु भगवान को मानते हैं वैष्णवाइट्स जो होते हैं वो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, लेकिन बाकी सारे जो दूसरे भगवान है उनका भी वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से जो शिव जी को मानते हैं शिवाइट्स हो गए वो शिव जी को मानते हैं, लेकिन बाकी सब भगवान को रिस्पेक्ट इन द सेंस उनको भी सम्मान देते हैं आदर देते हैं, वही सेम चीज हो गया कि भगवान बौद्ध के मानने वाले हम उनको भगवान बोलते हैं, गौतम बुद्ध मेरे लिए मैं तो देखिए मैं आपको साक्ष्य दे दिया हूँ नीचे जो नहीं, नहीं, मैं हरिओम भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, साक्ष्य दे दिया हूँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, मगर मैं जितने आपके देवी देवता हैं उनका सम्मान करता हूँ, बट ठीक है अच्छे लोग सम्मान तो मैं भी सनातनी हूँ। नहीं सर नहीं, हाँ तो बस खत्म, नहीं नहीं सनातनी सिर्फ मानने से नहीं, आपने जो अंदर की कोर बिलीव है वो भी मानना है, वो तो आप वो भाई कह रहे हैं सनातनी सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर के कोर बिलीव को भी मानना है जो के बोध नहीं मानते
सर कोर बिलीव वही नहीं ना भाई, बुधा ने बोला एक मिनट योहान भाई को बात करने दे, योहान भाई एक मिनट, योहान भाई आप बोले जी। जी दिग्निकाय का जो डिस्कोर्स 13 है उसमें तो बुधा ने बोला कि वेद झूठ है, ये सब झूठ है, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया वेद को। बिल्कुल सर उन्होंने सही कहा, उनके हिसाब से उन्होंने सही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको उन्होंने गलत कहा, उन्होंने वेदों को सर मैं बोल दीजिए, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसको रिपीट नहीं करिएगा मेरा, आप उत्तर ले लीजिए, आप सवाल पूछ लिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो वेदा को उन्होंने कहा कि वेदा सही नहीं है, ठीक है उनकी बात उनके लिए सही है, उन्होंने ठीक कहा, लेकिन वेदा की फिर भी जो मेन बिलीव है, जो कोर बिलीव है, आपने जो आपकी डीड्स हो गए या री इनकारनेशन का बिलीव हो गया या जो आपको फ्रूट मिलेगा आपके डीड्स पे मिलेगा, ये सब जो बेसिक मेन बिलीव है वो तो वेदा से उन्होंने ले लिया, लेकिन जो बाकी अब मैं बताया सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स और बाकी सारे जो रिचुअल्स है वो नहीं मानते हैं, तो वेदा में अधिकतर यही सब लिखा हुआ है कि इसको ऐसे करना है ये वैसे करना है, तो इसलिए उन्होंने वेदा को अपने हिसाब से वो बोला कि वो सही नहीं है, लेकिन बाकी उनका भी जो कोर बिलीव है वो यही है, सनातनी है। अब मुस्लिम धर्म का इन्होंने मेरे से पूछा कि इस्लाम का, मैं मान लीजिए मैं आपके सभी, मैं अल्लाह को मानता हूँ, सभी धर्मों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे मुस्लिम धर्म का उतना ज्ञान नहीं है कि मुस्लिम धर्म का भी जो मेन बिलीव सनातनी है कि नहीं, वो री इनकारनेशन में मानते हैं कि नहीं, ये तो इतना तो पता है कि नहीं मानते री इनकारनेशन में, और बाकी सब धर्म पे नहीं मानते हैं कि जैसा आप डीड्स करोगे वही, ये सब भी नहीं, तो इसलिए वो सनातन नहीं है। सनातन के जैसे ये फैक्ट्स हो गए, अभी आज से नहीं है सनातन, हम लोग का धर्म जो हिंदुस्तान धर्म होता है वो तो बहुत सबसे ओल्डेस्ट धर्म है, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, जो हमारे मौखिक रूप में जो धर्म एक, हाँ भाई ये ओल्डेस्ट है, ये सही कह रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है, क्या करना है इसका यार, मुझे फाइनल करके बताओ ओल्डेस्ट कौन सा, मैं उसको स्वीकार करूं यार, योहान क्या चक्कर है ये भाई। अभी आपने जो उसूल दिया कि ये जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट दिया और कर्म का कॉन्सेप्ट दिया, अगर ये किसी रिलीजन में प्रेजेंट है तो वो सनातन का पार्ट है, ये आपने क्लेम किया, तो ये जो आपने उसूल कहाँ लिया, मतलब ये पूछना चाहता हूँ, ये उसूल आपने कहाँ से बना लिया? सर ये जो भी उसूल है, जैसे आपने जो धर्म है जो, या जो आप ये बेसिक उसूल सिर्फ सनातन में ही था पहले और कहीं नहीं है, ये सारे जो बेसिक जो भी बिलीव है, नहीं मेरा पॉइंट ये था कि ये उसूल और किसी रिलीजन में प्रेजेंट होगा तो वो सनातन का पार्ट है, ये कैसा लॉजिक दिया आप, ये और लॉजिक कहां से आपने निकाला? नहीं ये सनातन का पार्ट नहीं है, मैं आप नहीं समझे मैं क्या कहा, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप है उस ग्रुप का एक वो हो गया भाग हो गया, सनातन शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूँ, मतलब वो सनातनी बिलीव है, इटर्नल बिलीफ है, इटर्नल यानी कि अनंत, सनातन का मतलब वो होता ही नहीं है, वो मतलब ही नहीं होता, अपने हिसाब से कुछ ही बना रहे हो सर, सनातन का मतलब इटर्नल होता है, गूगल पे या कहीं जाके, अरे नहीं होता है भाई, आमिर भाई गूगल पर सर्च करके ने डिक्शनरी से दिखा दीजिए, आप इटर्नल कहने का मतलब ये है कि जो जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई खात्मा नहीं है, मेरे हिसाब से। जी जी एक मिनट हरिओम भाई एक मिनट रुकिएगा, आपकी तरफ से पॉइंट आ गया, आपने रखा इधर से भी उस पर जनाब चर्चा चल रही है दोनों जानिब से, नेचर भाई को मौका देने लगे हम, इस्लाम के बारे में आपने कहा आपको जानकारी नहीं है और आपने कहा कि उनमें डीड्स वगैरह का मुझे कंफर्म है कोई सिस्टम नहीं है, तो हमारे यहाँ आमाले सालेह डीड्स का सिस्टम होता है, इस पर वीडियो मौजूद है, तो आमाले सालेह के अनुसार होगा और इसका भी नहीं होता होगा कि जो डीड है उसके जो फ्रूट्स हैं और जो पनिशमेंट्स हैं वो अभी, मतलब जो आपने गलत किया अभी आपके साथ उसका फ्रूट मिल जाएगा, नहीं नहीं अभी भी होता है, ये भी है, ये भी है, ये तब मुझे नहीं पता होगा, हाँ, ये भी आपको नहीं पता ना, कुरान में औद बिल्लाह मिन शैतान रजीम ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, कुरान की आयत है कि ज़मीन और आसमान में जो फसाद तुम्हारी तरफ लौट कर आता है, बिमा कसबत अयदी नास, तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे कर्म है जो तुम्हारी तरफ आते हैं, ठीक है, तो जिस तरह करोगे वैसे भोगोगे, कुछ लोगों को यहाँ मिलता है, जिनको नहीं मिल पाता उनको अगले जहान में मिल जाएगा, नेचर भाई का मैं ले रहा हूँ, उनका पक्ष ले रहे हैं, नेचर भाई आप सारी ये गंभीरता से चर्चा दूर बैठे देख रहे हैं, आइए जरा मैदान में आप भी ना सर, उसको चर्चा कीजिए। हाँ आइए, हरिओम भाई से बात करना चाहता हूँ। हरिओम भाई देखिए आप है ना जो बात रखते हैं ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो, या तो आपको नॉलेज है या नहीं है,
ठीक है, मुझे तो बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, आपको बुरा मत मानना, सच्ची में आपको जो आप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये यौहन भाई आप बोल रहे हो बिल्कुल कि गौतम बुद्ध ने वेद को रिजेक्ट किया था, इसका मतलब बुद्ध से पहले वेद था, और ये जगमोहन भाई बोल रहे हैं बिल्कुल कि नहीं था, मुझे इसका जवाब दो आप दोनों, पहले नहीं, सवाल जनवन है, सवाल जनवन है नेचर अरे भाई भाई साहब जी। सुनिए नेचर जी, वो आपके वाले नहीं थे, मैंने पहले ही बोल दिया। बुद्ध के समय पाली भाषा चलती थी और पाली भाषा में वेद का मतलब होता था एक्सपीरियंस, तो वो था सर ये उस समय, वाले लेकिन ब्राह्मणवादी नहीं था ना। सर ब्राह्मणवाद क्या होता ये है, ब्राह्मणों का वेद ये ऐसा कुछ उस लिखा टॉप गया वहां पे। ब्राह्मणवाद के टॉपिक है क्या? ब्राह्मणवाद होता क्या आपको पता है क्या? नहीं, ओए आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए नेचर अरे भाई, फुल सर फॉर्म में अगर देखिए आज बच हम के रहना भाई जी। नेचर भाई सर वो उस टॉपिक के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, बट अभी इतना सारा यहाँ पे टॉपिक छोड़ दिया है, तो नया नया टॉपिक मत निकालिए, उसके लिए अलग से बात करूंगा। पहले इसका जवाब दीजिए, आप बौद्ध का फोटो लगा के यहाँ पर बैठ गए ज्ञान बाद में, उसका जवाब दीजिए, क्यों आप दोनों की बातों पे कॉन्फ्लिक्ट हो आप रहा है? किस लिए आए, आप किस लिए आए हो? आप ज्ञान देने के लिए नहीं आए हो, डिफेंड करने के लिए नहीं आए हो, तो मेरी बात गलत है तो गलत आप तो आप बताएं कौन जज मुझे करने ये। वाले हुए कि कौन ज्ञान देगा कौन नहीं देगा? वो तो डिबेट है ना, डिबेट में आते ही किस लिए है? सर डिबेट करी है, लेकिन अभी आप दोनों की बात तो बात यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है, जी भाई, कॉन्ट्रडिक्ट मैं का नहीं जवाब दिया गलत हुई, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुई नेचर भाई, कॉमन सेंस समझ आ रही है। मैं आपको पता, मैं न्यूट्रल हूं, मैं जो सच है वो सच बोलूंगा। उन्होंने जी। कहा है वेद तीन, यौहन ने कहा है तीन वेद थे, जगमोहन ने भी कहा है वेद थे, मगर ये वो वेद नहीं थे जो आपके वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वा वेद, यसामवेद, ये आपके वेद नहीं थे, कोई और चीजें थी। जिस तरह उन्होंने कहा तो एनलाइटमेंट होना, कोई और चीज थी जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, और उसका क्या प्रमाण वो रीजन, देते हैं, सुन ले जरा, वो कौन से उसका रीजन प्रमाण थे? वो देते हैं लिपि के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं कि आप संस्कृत, जब आप इस वेद को सिद्ध करेंगे तो आप बताएंगे कौन सी लिपि थी या किस तरह लिखी गई जो उस वक्त मौजूद थी, ठीक है? ये वो प्रमाण है उनका। अब आप बताएं, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उनकी बात के अंदर, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं दोनों के वेद बुद्ध के समय पर जो थे वो ये नहीं थे जो आज हैं। देखिए आमिर भाई, एक और बात, जैसे आज सुनते हैं कि भगवान या भगवा मतलब अलग होता है, मतलब या कोई आसमानी भगवान होता है, भगवा मतलब कोई कलर होता है, जबकि बुद्ध के समय भगवा या भगवान का मतलब पाली में अलग ही होता था। जैसे भगवान भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया है, तो उनको इसलिए नहीं कहा गया कि वो आसमानी भगवान है या विष्णु के अवतार, इसलिए कहा गया है कि भगवा या भगवान का मतलब जो रोग दोष त्याग देता है, यानी जो भी मोह माया जो भी होती है ना, उस सबको त्याग देता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा गया था या भगवा। ये भाग्यवान, भाग्यवान भी बोल लेते हैं उसे, ठीक है जी। नेचर भाई क्या हाँ कहेंगे? सर बात यही है, मैं उनसे यही बात बोल रहा हूँ, जो आप गौतम बुद्ध के बारे में जो बातें कर रहे हो, आपने कैसे गौतम बुद्ध को धर्म कैसे बना लिया, क्यों, क्या रीजन क्या था कि उसको धर्म बनाना पड़ा गौतम बुद्ध के सिद्धांत आपने को? बना लिया धर्म, आपने बना लिया हुआ है, विष्णु का अवतार आपने बनाया है, वो तो नहीं मानते नहीं, विष्णु का अवतार। मैं उस पे बात करूंगा जरूर, मैं बताता हूँ, पहले बौद्धिस्ट है ना, मुझे सच में इन लोग से बहुत सवाल करने का था, आज ही मौका मिला है जी इसलिए। जी एक सेकंड जवाब देना चाहता हूँ। भगवान को, बुद्ध को भगवान हमने आसमानी भगवान नहीं माना है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सिर्फ हम नहीं मान रहे हैं, दुनिया के कम से 30 देश मान रहे हैं और हम उनकी थोड़ी हो बात, आइडियोलॉजी कौन पूरी मान रहा है दुनिया वो में है। थोड़ी है, क्या क्यों मान हम रहे भी हैं वो मानते मैटर हैं करता गौतम है, सर जी, हम भी नहीं तो गौतम आप बुद्ध क्यों को मानते मानते हो, हैं, आप क्यों मानते हो फिर? हाँ वो अवतार है इसके लिए मानते हैं, पर आपने उसको अवतार अलग है, से प्रूफ धर्म क्यों कर बना दीजिए, लिया है, प्रूफ जो नहीं समझ में आ रहा प्रूफ है कर जब। दीजिए। हाँ नीचे एक मिनट रुकिएगा, नीचे एक सनातनी कह रहा है जी मुझे ब्लॉक। भाई आप स्टेज पे आए नहीं हो, नीचे कमेंट के अंदर तो आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया, ब्लॉक किया होता तो आपका कमेंट ना आ रहा होता। अगर दम है तो ऊपर आना मेरा भाई, ये नेचर भाई, हरिओम भाई में दम है तो वो बैठे हैं ना, सनातन धर्म पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो सनातनी है, तुझमें दम है तो ऊपर आके बात कर, सवालों के जवाब दे। बड़े जी नेचर भाई, सॉरी।
बताए ना, ये धर्म बनाने की जरूरत क्या थी, क्या अच्छा ही क्या है जो नया धर्म बना लिया, सनातन था तो। और आपने आप हमने धर्म कहाँ बनाया है? मूर्ति के आप में लगे हैं, बुद्ध भगवान 9वें अवतार आपने बना लिए हैं, तो हमने कहाँ बना लिए हैं? सर हम तो पहले से, ये सनातन तो पहले से ही है ना, तो बाद में आपको 2500 साल अच्छा हुआ ना बौद्ध धर्म हाँ, स्थापना 25 साल हुआ। हुए, तो जरा जरा संस्कृत की लिपि और कब आई, कैसी आई, कब आई, क्यों आई, ये थोड़ा जवाब दे दे। सर मैं इस पे एक छोटा संस्कृत सा की पॉइंट रख दूं, लिपि क्या आ गया? सर मैं एक पॉइंट रख दूं इसमें छोटा सा। जी, जल्दी से रखते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, संस्कृत को आप खींचेंगे पीछे, मान लीजिए संस्कृत आज से मान लीजिए 7000 साल पहले, मैं सिर्फ मानने के लिए बता रहा हूँ, तो संस्कृत अगर अरे उतनी भी खींचेंगे पुरानी है नहीं, तो सुनिए सुनिए हरिओम, खींचने सर वाली आप बात नहीं होती। ये, एक मिनट सर एक मिनट, देखो ये ये आपकी आपकी आदत एक रखती नहीं है सर, मिनट आप बीच में हाँ छोड़ देते हरिओम हैं भाई, फिर जी किसी का जी पॉइंट नहीं सॉरी रहता। सॉरी सर, जी, सर रखें मैं रखें ये कह आप। रहा हूँ कि संस्कृत को अगर आप खींचेगा कि संस्कृत कितनी पुरानी है क्या है, लेकिन हमारा धर्म जो है वो संस्कृत से भी पुराना है। संस्कृत तो एक भाषा है, भाषा मात्र है, और जो हमारा धर्म है ये यानी मौखिक। सर सॉरी सॉरी आपसे बात, सॉरी मैं टोकना नहीं चाह रहा, आपने एक जुमला बोला, जी आपने कहा आपका धर्म जो है संस्कृत से भी पुराना है, ऐसे ही है? सर मैं एक अपना पॉइंट खत्म करता हूँ, फिर आप प्लीज बोल लीजिएगा। मैं जी जैसे जी हमारे जो भगवान की मूर्ति है, जो हमारे वेद और पुराणों में जिसका जिक्र किया गया है, उसके जो मूर्ति है वो 7-7 हजार साल पुराने हैं, 8-8 हजार साल पुराने मिले हैं, 12-12 हजार साल पुराने मिले हैं, उनकी डेटिंग हुई है कार्बन डेटिंग। तो इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि उन भगवान को मानने वाले और उन उन जो बेसिक फिलोसफी है उनको मानने वाले लोग थे आज से उतने साल पुराने, भले ही वो लैंग्वेज का एक्सटेंशन नहीं हो पाता है कि भाई लैंग्वेज कितना साल पुराना है क्या है। भाई तो भाई हम कुछ भी मत गपोड़ो, कुछ भी मत सर गपोड़ो, मैं कुछ यहाँ पे सीधा सर सबूत दिखा दो। आपको आपको नहीं अगर हरिओम, साक्षी चाहिए तो मैं आपको साक्षी देता हूँ, आप मेरे को दीजिए 20 मिनट दीजिए, हाँ मैं आपको साक्षी बिल्कुल, ला के रख दूंगा। आपको साक्षी अभी चाहिए? मैं कुछ रखें। नहीं, देखिए मैं सर आपने लांछन मतलब है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप भी बहुत कुछ बोल दिए और आपने उसका नहीं तो साक्ष्य ये लिया, प्रमाण बताइए, लाए, सुनो आपने साक्ष्य प्रमाण रखा। लो। देखिए मैं आपसे साक्ष्य मांगा, मैं आपसे साक्ष्य नहीं मांगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। अगर आप कुछ बोल धीरज रहे हैं रखिए और आप। हरिओम भाई जी मैं कोई आपको मसला नहीं, साक्ष्य कोई देता मसला नहीं, हूँ, मैं समझ अभी सकता अभी हूँ। देता हूँ साक्ष्य, मैंने बोल दिया बिल्कुल। मैं आप साक्ष्य लेंगे तो आप ये मानेंगे ना कि भाई वो मूर्ति थी और वो सब था, तो रिलीजियस बिलीफ थे, भले ही लैंग्वेज जी, कितनी भी पुरानी हो संस्कृत, ठीक। और ये लिखावट जो है संस्कृत में लिखी हुई चीज, ये तो हाल फिलहाल में लिखी गई है, लैंग्वेज उससे पहले श्रुतिज भी ओरिजिनल मौजूद तो थी मेरे ख्याल से, है ना? ओरिजिनल ओरिजिनल जो सर बहुत पुरानी है, मैं क्या कह रहा हूँ, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है समय के साथ, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग के पास क्या कहते हैं आजकल के मॉडर्न तरीके नहीं थे चीजों को अच्छे से रखने से। कितनी पुरानी थी, कितनी हाँ पुरानी होगी, लगभग कितने सर मैं पुराने आप होंगे? वैसे ही कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, आप लैंग्वेज की धर्म की? सर धर्म, धर्म या राम, ऐसा कुछ बता दीजिए जो सबसे ओल्डेस्ट हो, ऐसा कुछ एस्टिमेट बताइए जरा। विष्णु जी का एक मूर्ति है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में देखूं इंटरनेट से ओब्वियसली ढूंढ के दूंगा, एक मूर्ति है बहुत पुरानी है, मैं उसका रेफरेंस आपको दे रहा हूँ अभी, ठीक है? मेरे को 5 मिनट 10 मिनट कितनी दीजिए, पुरानी है, कितनी पुरानी है? वही 10-12 साल पुरानी है, देखता हूँ मैं, देख के ढूंढ दस के बारह बताता हूँ साल आपको। पुरानी है। दस अरे साल के आसपास, 7-8, अब मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन इतनी पुरानी है कि नहीं, संस्कृत को यानी 10-12 हजार प्रिसीड या 7-8 हजार साल कह रहे हैं ना? कर रही है। जी, 1000 साल, सॉरी। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात ठीक नहीं है। नेचर भाई अब आ जाते है, मैं हरिओम भाई, ढूंढ जितनी लेता देर में हूँ। ढूंढ रहे हैं जो, ढूंढ लें, टेक योर टाइम, हम वेट कर रहे हैं आपका। हरिओम भाई आपका प्रमाण लेकर जाएंगे, किसी के साथ आज अन्याय नहीं होगा, जो जो अपनी बात रखना चाहता है भाई रखेगा, मगर शांति के साथ, सम्मान के साथ और धीरज गंभीरता से। अभी नेचर भाई हाँ सर प्रश्न वहीं मैं पर घूमकर आ रहा है, नेचर भाई प्रश्न वहीं घूमकर आ रहा है कि ये बौद्ध जी तो नास्तिक थे, राम में इनकी विष्णु जी का अवतार बनाकर ठोक दिया गया है, ये मंदिर का अपमान नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, अच्छा वो तो मेरी भी एक्चुअली लगा दें फिर। सुनिए तो, वो एक्चुअली थोड़ा हाँ समझना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्यों, बिकॉज सनातन धर्म को समझना इतना आसान है नहीं, हाँ अभी हाँ वो तो समझ एक आ रहा है, एक मुझे बुक है बहुत वो, दिक्कत पड़ गई है, मुझे यकीन है करें भी ना मैंने पैनाडोल खाई है सर? जी। मुझे बस 2-4 मिनट ना समझाने दीजिए। सबसे पहले तो मैं जो गौतम बुद्ध, ये बुद्ध धर्म लेके जो बैठे हैं इनको मैं समझा देता हूँ। देखिए सनातन धर्म सबसे पुराना है, ठीक है, इनका तो ये सनातन का कम मतलब बता दो, ज्यादा मैं दूर बताता जाने हूँ। की जरूरत नहीं, सनातन का मतलब बता दो।
चले कोई नहीं, एक मिनट नहीं नहीं नेचर भाई आप तसल्ली से 3-4 मिनट लीजिए, अपना मुकदमा रखें। जगमोहन भाई कोई नहीं, इनको बोलने दे यार, कोई बात नहीं जी, क्लियर बताने दीजिए। बात ये है आमिर भाई, ये कुछ भी कपोड़ने लगते हैं ना,